हर हर महादेव, जय श्री शंभु। कैसे हैं आप सब? शनिवार के दिन अगर ज्योतिष दृष्टिकोण से कहूँ तो सौभाग्य योग का निर्माण हो रहा है और नौमी तिथि हो रही है। अपने आप में यह दिन ज्योतिष दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। शनिवार का दिन अपने आप में शनिदेव को समर्पित है। नजर दोष, बच्चों की उन्नति, रोग मुक्ति, शनि कृपा, साढ़े साथी, ढैया इत्यादि के निवारण के लिए इस दिन कोई उपाय किया जाए। सबसे ज़्यादा शनिवार के दिन कोई कार्य किए जाते हैं तो वह सिद्ध होते हैं, तत्काल फलित होते हैं। गुरुदेव जी के चरणों में नमन करते हुए उनके उपाय आप सभी से साझा कर रही हूं बहुत सरलतम तरीके से। आपको कोई भी उपाय समझ में ना आए, कोई मन में जिज्ञासा हो तो आपका अपना चैनल है, बिल्कुल बेझिझक पूछ लीजिएगा। मैं सभी के सवालों के जवाब देने का प्रयास करती हूं, तो ध्यान से सुनिए क्या करना है। अब यह उपाय आपको रोग मुक्ति के लिए भी कर सकते हैं, अपने मकान, प्रॉपर्टी संबंधित किसी भी कार्य के लिए, जीवन में कोई भी आपकी मनोकामना हो उसको ध्यान में रखते हुए किसी भी कष्ट को निवारण के लिए यह उपाय कर सकते हैं। तो कैसे करना है, सरल है, ध्यान से सुनिए। आप सभी को पिपलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए यह सबसे पहला उपाय करना है। आप सभी को पीपल वृक्ष की छाल लेकर आनी है। थोड़ा सा छाल जहाँ पर पीपल वृक्ष होगा आराम से आसानी से निकल जाएगी, तो किसी उससे आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इस छाल को आप किसी, जैसे कोई पत्थर आता है उस पर घिस सकते हैं, जिसे चंथर कहा जाता है, अर्थात चंदन जो भगवान शिव को समर्पित होता है उस पर घिस सकते हैं, सिलबट्टे को धोकर उस पर भी घिस सकते हैं। अब इसको घिस कर आप इसका चंदन बना लीजिए, अर्थात इसमें थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे, थोड़ा पानी डालेंगे तो ये पूर्ण रूप से घिस जाएगा। अब इसे जो है आप सभी घिस कर किसी कटोरी में निकाल लीजिए और महादेव को इसे समर्पित कर दीजिए। अर्थात उन्हें समर्पित करना मतलब उनका त्रिपुंड बनाना है, तीनों उंगलियों की सहायता से आप त्रिपुंड बना दीजिए। उसके बाद जो थोड़ा सा भी अंश बचा हुआ है पिपलेश्वर महादेव का स्मरण ध्यान करते हुए अपने मस्तक पर लगाना है, अर्थात माथे पर, महिला पुरुष दोनों लगा सकते हैं, वक्ष स्थल पर अर्थात छाती में और कंठ में, गले में और छाती में, इन तीन जगहों पर आप भी लगा सकते हैं, अपने बच्चे के भी लगा सकते हैं। सभी जन बुद्धि को प्रखर करने के लिए, रोगों का नाश करने के लिए शनिवार के दिन जरूर से इस कार्य को कर लीजिएगा और महादेव से झोली पसार कर एक दीपक लगाकर जरूर प्रार्थना करें कि प्रभु मेरी यह मनोकामना है, मेरी यह कामना है, जो भी आपके मन में है महादेव की यह सेवा अर्चना। महादेव को तिलक अत्यधिक प्रिय है, खासतौर पर इस तरह का जो त्रिपुंड बना देता है उनका इस तरह से लेपन कर देता है, तो यह उपाय करके देखिएगा, लाभ जरूर से होगा। यह पहला उपाय हो गया। दूसरा उपाय गुरुदेव का है, काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेना है आप सभी को। अब घर पे कोई भी बच्चा बीमार होता है, नज़र लगती है, ऊपरी बाधा है, या किसी भी तरह का उसके शरीर में कष्ट बन रहा हो, कोई भी कारण, दुर्घटना हो रही हो, रोग दोष और शनि संबंधी, साढ़े साथी, ढैया, कुछ भी लगे आपको, विपरीत उसके जीवन की दिशा हो रही हो, उसका दिमाग सही जगह पर नहीं है, अर्थात पढ़ाई में मन नहीं लगाता, कोई भी कार्य हो, काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेना है। 21 बार उस बच्चे के ऊपर से, स्वयं के ऊपर भी रोग हो गया हो, परिवार का कोई भी, उसके ऊपर से 21 बार आपको उतार लेकर उतारना है और कोई भी पेड़ हो घर के आसपास काशी विश्वनाथ का नाम लेते हुए 21 बार उतार कर उस जगह पर हल्का सा गड्ढा खोदकर गाड़ दीजिए। बस यही कार्य करना है और शनिवार के दिन किया गया उतारा कभी खाली नहीं जाता, इस बात को ध्यान में रखिएगा। सुबह से लेकर शाम तक कभी भी जब समय मिले आपको इस उपाय को कर दीजिएगा। यह हो गए दो उपाय। अब तीसरा उपाय है, शनिवार के दिन आवश्यक रूप से थोड़ा सा आटा ले जाकर और एक दीपक शनि देव के नाम का शनि जो मंदिर हो या पीपल वृक्ष के नीचे जरूर से लगाना है। यह दीपक तेल का लगता है या तिल्ली के तेल का या सरसों का, जो भी आपके पास हो उसका लगा सकते हैं। आप थोड़ा सा आटा भी लेकर जाइएगा क्योंकि खाली ना जाए तो बेहतर होता है, वहाँ पर चींटियाँ इत्यादि होंगी तो उन्हें डाल दीजिएगा और इसे जो है प्रज्वलित कर दीजिएगा। आपको देखना कैसा इससे अद्भुत लाभ मिलेगा। कुछ भी ना कर सके तो कल के दिन दीपक जो जरूर लगा कर देखिएगा। इस तरह से तीन सरल उपाय है जो मैंने आप सभी को बताने का प्रयास किया। कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर। हर हर महादेव।